देश की सुरक्षितता को कायम रखा, उन वीर जवानों को श्रद्धांजलि देने का आज का यह महत्वपूर्ण कार्यक्रम छत्रपति शिवाजी चौक डिग्रस में ईश्वर फाउंडेशन, दुर्गा माता शैक्षणिक संस्था, राष्ट्रसंत टुकड़ू जी महाराज शैक्षणिक संस्था, कानूबा शैक्षणिक संस्था की ओर से आयोजित। मैं आज ही के दिन उन वीर जवानों की शहादत को सलाम करने के लिए, प्रणाम करने के लिए, उन्हें वंदन करने के लिए हम इकट्ठा होते हैं। डिग्रस नगर पालिका की सीईओ मैडम, मुख्य कार्यकारी अधिकारी मैडम माधुरी जी मडावी, इनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि वे पुष्प चक्र अर्पित कर अपनी श्रद्धांजलि वीर जवानों के प्रति प्रेषित करें। सब कहना यह चाहती है कि इस तरह से मुझे आप मत देखिए, भाव सूची नहीं हूँ मैं बाजार की, मेरी हर सांस में एक उपन्यास है, सिर्फ कतरन नहीं हूँ मैं अखबार की। तो कहीं ना कहीं जिनका हर एक कार्य समाचार बनने तक सीमित न रहकर एक परिवर्तन चाहता है, ऐसे मैडम के हाथों पर कमलों द्वारा यहाँ पर श्रद्धांजलि पुष्प चक्र समर्पित कर मासूम नागरिकों को 26/11/2008 को जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति हमारे इस देश के लिए दी, उन्हें श्रद्धांजलि देने का सामूहिक कार्यक्रम सावधान के आदेश के साथ शुरू होगा। सभी कृपया ध्यान दें। रेड सावधान। विश्राम। क्योंकि आज का दिन अर्थात राष्ट्रीय संविधान दिन के रूप में जिसे मनाया जाता है, संविधान केवल कानूनी किताब या वकीलों का दस्तावेज न होकर, जो संविधान हर भारतीय को जीने के अधिकारों से अवगत कराता है, समानता से अवगत कराता है, जीवन मूल्यों से अवगत कराता है, आज ही के दिन 1949 में इस संविधान को लागू किया गया और 2015 से संविधान दिवस के रूप में पूरे भारत में इसे मनाया जाता है। भारताचे संविधान, आम्ही भारताचे लोक, भारताचे एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकशाही गणराज्य घडवण्याचा व त्याच्या सर्व नागरिकांस सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ती, विश्वास, श्रद्धा व उपासना यांचे स्वातंत्र्य, दर्जाची व संधीची समानता निश्चितपणे प्राप्त करून देण्याचा आणि त्या सर्वांमध्ये व्यक्तीची प्रतिष्ठा व राष्ट्राची एकता आणि एकात्मता यांचे आश्वासन देणारी बंधुता प्रवर्धित करण्याचा संकल्पपूर्वक निर्धार करून आमच्या संविधान सभेत आज दिनांक 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी याद्वारे हे संविधान अंगीकृत आणि अधिनियमित करून स्वतः प्रत अर्पण करीत आहोत। जय हिंद, जय भारत। अधिकारी मैडम अर्थात माधुरी जी मडावी, इनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आज के अवसर पर वे अपने विचार व्यक्त करें। आज सर्वप्रथम मी भारतीय घटनेचे शिल्पकार डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आणि या 2008 दहशतवादी हल्ल्यात शहीद झालेल्या सगळ्या वीर जवानांना मी माझी श्रद्धांजली अर्पण करते।